जब स्वयं कन्हैया जी हर नंदी का भात भरने के लिए आते हैं, जो जो सामान उस मनसामल सेठ ने भात की चिट्ठी में लिखा था और एक नायिके के हाथ से भिजवाया था, वो सारा सामान कन्हैया जी अपने रथ में लेकर के आते हैं। और जैसा भात हर नंदी का सिर सागर के अंदर भरा, आज तक ना ही तो ऐसा भात किसी का भरा है। और भाई जहां तक मेरी सोच है, शायद ऐसा भात आगे भी किसी का नहीं भरा जाएगा जैसा भात कन्हैया जी ने हर नंदी का भरा। बहुत ही सुंदर रागनी आप सभी के बीच में, बाकी हवाला सुनेगा रागनी के माध्यम से। हाँ जी, रे लगे हर नंदी का भात भरने नंदेला, हरे नंदी का भात भरण नंदलाल, और भात भरण नंदलाल, रे भात भरण नंदलाल, रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, रे लगे हर नंदी का भात भरण भरेगा बोता भाग बिचारी का। किया आरता हरि नंदी ने नरसी और मुरारी का, किया आरता हरि नंदी ने नरसी और मुरारी का, मेरे सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उठाया था, हीरे मोती दिए भात में छलकता आया था, रथ में देख के हाथ श्याम ने वो बनसा सेठ बुलाया था, रथ में देख के हाथ श्याम ने बनसा सेठ बुलाया था, जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में मेरा आप सामान, हाथ श्याम ने फिर मनसा सेठ बुलाया था, अरे जो सामान लिखा पर्चे में तू लेना आप संभाल, र लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। दूसरी बात के द्वारा कन्हैया जी हर नंदी के भात में कौन कौन सी चीज लेकर के आते हैं, क्या क्या लिखा था भरा? Thank you.
श्रृंगार दिया पिछवे बहाड़ी अजब निराली रे गहना करके प्यार दिया कणी मणि की भेंट दई मन साफा पानी उतार पच्चीस मन तोल दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटार खोल दिए हेरे काजू और अखरोट संभालो जो मन सबन बोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सबन बोल दिए पच्चीस मन मेहंदी ले लियो रे पच्चीस मन मेहंदी ले लियो कम नहीं पड़ेगी इतनी मेहंदी लिखी थी मनसा सेठ ने दादी चश्मे वाली आपके भात में भी आई थी 25 मन मेहंदी नहीं आई और आएगी भी नहीं शायद क्योंकि मेहंदी थी इतनी 25 मन मेहंदी के साथ साथ मनसा सेठ ने 25 मन सोना भी लिखा था आपने भी दिया है जी कभी भातन में 25-25 मन सोना नहीं दिया दादी आया था सोना 25 मन हाँ नहीं आया था 25 मन सोना लिखा और सोने की तो बात छोड़ो मनसा सेठ ने चिट्ठी के अंदर सुई और धागे भी लिखे थे न्यू कहने लगे का नहीं जी मनसा सेठ से कि मनसा सेठ एक एक सामान गिन गिन के दे रहा हूं और जहां तेरी लिस्ट है उसको हाथ में ले ले अगर कोई सामान रह जाए ना तो मुझे बता देना वो सामान भी तेरा दे के जाऊंगा तीसरी बात किधर है क्या क्या सामान मसाले सब चीजें थिरे जिनका लगा दिया बाजार नरसी को अरे नरसी को कंगा हल बताते तू बदलार सब नरदार नरसी को कंगा हल बताते तू बदलार सब नरदार मेरे सुई दागे तुम ले ले ओ कृष्ण जी न्यू बदलाए सुरमा साही देके सब नेक जोग सब ने बटाए सोने के दो पत्थर लो जो बड़ी सौंदर्य Just one.
लेकर के आए थे सारा सामान कन्हैया जी ने दे दिया। भात के साथ साथ उस शिव सागर के अंदर एक और चमत्कार होया, वो क्या, जितने भी नरनार जहां पे भात ले रहा था, जितने भी खड़े थे, सभी को जैसे मिली नहीं देते इस तरीके का मान सम्मान भी दिया गया। एक और बड़ा चमत्कार हुआ, पूरे शिव सागर के अंदर कन्हैया जी की कृपा से सोने की बरसात हुई, सवा पहर सोना बरसा। आपने कहावत भी सुनी होगी भाई कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो कहावत भी यहीं से चली थी। गौर फरमाइएगा रागनी की तरफ, चौथी बात के जरा क्या तोड़ दिया रागनी का। जब ऊपर को नजर करी तो सवा पहर सोना बरसा। तेरे सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके बनिहारी पन घट न सके रे, बनिया लोग सके रे सोचे रे, तो भी सोचे घाट सके रो सबसे तू